Hello dear students, how are you today? I hope you must be doing very well. My dear students, I am here today with a very special mission. जब से dear students GD की dates नज़दीक आती जा रही हैं, हम लोगों ने एक खास mission बनाया है आपके group discussion को बहुत आसान और impressive बनाने का. My dear students, प्रत्येक साल के experience से मुझे इस बात का पूरा अनुभव है कि जैसे group discussion आता है, काफ़ी students fear में चले जाते हैं. Sir, this is one of the toughest task. मैं कभी stage पे नहीं गया, मैंने कभी school में group discussion में participate नहीं किया, मैं कभी debate में नहीं रहा, तो ये मेरे लिए कैसे आसान होगा? So dear students, चिंता नहीं, हम आपके साथ हैं. आई एम हेयर विद यू विद ऑल सोल्यूशंस. तो सबसे पहले तो मैं आपकी उन तमाम चिंताओं को दूर करूंगा जो हमारे मन में फैली होती हैं. सर, जीडी क्या है, कितनी देर का होता है, क्या इसे कुछ सिर्फ मुट्ठी भर लोग कर पाते हैं या फिर सब की बात है? तो डियर स्टूडेंट्स, जीडी क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप ऑफ 5, 10, 20, एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर. लेकिन एयरफोर्स में मोस्टली 8 से लेकर 15 तक स्टूडेंट्स, 8 to 15 स्टूडेंट्स आर देयर, कैंडिडेट्स आर देयर, जिनको एक कॉमन टास्क मिलती है. कौन सी? आपको एक लीफलेट मिलेगा जिसपे लगभग 200 से 250 वर्ड में कोई मैसेज लिखा होता है. ये रिसर्च बेस्ड हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई ऐसा सोशल या ज्योग्राफिकल इश्यू हो सकता है जिसपे हमारी अटेंशन जानी चाहिए. हम उसको पढ़ने के बाद ये निर्णय करते हैं कि ये क्या टॉपिक है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि आपके ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या है. तो वो तो आपका जीडी होता है. लेकिन जैसे जीडी हमारे निगाह में आता है तो हम लोग जीडी का नाम सुन के बहुत डर जाते हैं. तो सबसे पहले आज मैं जीडी के बारे में आपके सामने लेके आया हूँ, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन और उसके बारे में क्या रियलिटी है और क्या मिथ है. व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज मिथ. तो मैं फर्स्ट मिथ को आपके सामने बस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि भय का निराकरण तभी होता है जब हमें उसकी सच्चाई का पता लग जाए. मिथ नंबर 1, जीडी इज टफ. नो माई डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों को जीडी को लोग टफ कह के बताते हैं, वो लोग स्टूडेंट्स का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, उन्हें डराना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट के सामने काफ़ी ज़्यादा डर के हाथ जोड़ के आए, सर हमें सिखा दीजिए. बिल्कुल भी डियर स्टूडेंट्स, मिथ क्यों कहा मैंने इसको? टफ उसे कहते हैं जो व्यक्ति से ना हो, टफ उसे कहते हैं जिसको छेड़ने में डर लगे. बल्कि मैं कहता हूँ, आप जीडी रोज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड के साथ आप खड़े हो जब कोई चर्चा कर रहे होते हैं, अरे भाई मुझे लग रहा है किसानों को जो है ना सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, सरकार को झुक जाना चाहिए, हमें आपस में तालमेल कर लेना चाहिए. यानी कि हम किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक जनरल डिस्कशन है और जनरल डिस्कशन ही बेटा ग्रुप डिस्कशन का रूप ले लेती है. कब? जब हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, जब हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है. बस वो टाइम लिमिट हमें इसको टफ बना देता है. हमें जो बात 5 मिनट में कहनी थी वो सिर्फ 2 मिनट में कहनी है. तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है. डरना अभी भी नहीं है, लेकिन हमें ट्रेनिंग लेनी है. ठीक है, तो फर्स्ट मिथ को मैंने बस्ट किया, ये टफ नहीं है, ये कम समय में और लॉजिक के साथ करना है, दैट इज इजी. तो मैंने इसको कहा इजी में ले आया. सेकेंड, ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैन डू इट. हाँ जी, काफ़ी लोगों के मन में ये रहता है, सर माई एजुकेशनल बैकग्राउंड वॉज इन हिंदी, आई स्टडी इन ए वेरी पुअर बैकग्राउंड वेयर देर वॉज नो इंग्लिश एनवायरमेंट. तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. आजकल एक थोड़ी सी कोचिंग के साथ, एक थोड़ी सी गाइडेंस के साथ आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और उन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं जो आपके ग्रुप डिस्कशन में आने वाले हैं. देखिए, ग्रुप डिस्कशन में आपसे कोई IAS लेवल की चर्चा नहीं की जाती. एक छोटी समस्या होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर इट्स रीजंस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. तो आपको 3 मुद्दों पर बात करनी है, समस्या क्या है, उसके कारण क्या है, और कारण को उल्टा कर दीजिए. यानी कि जो कारण है उनको शुड के साथ मिटा दीजिए. गवर्नमेंट शुड डू दिस, पब्लिक शुड डू दिस, वी शुड नॉट डू दिस. मतलब कोई काम कर रहे हैं, करने लायक नहीं है, तो वी शुड नॉट डू दिस, हमें करना चाहिए, वी शुड डू दिस. तो सजेशन देके हम अपना कंक्लूजन कर देंगे. यानी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ये जीडी होता है. तो इसमें गिफ्टेड का तो मतलब ही नहीं. जब हमें पढ़ने को मिलेगा आपने क्या पढ़ा है, और पढ़ने का आप लोग एक प्रैक्टिस के साथ उतरते हैं, तो गिफ्टेड नहीं, विद प्रैक्टिस ऑल स्टूडेंट्स कैन डू इट. जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आई गारंटी यू. देखिए, गारंटी वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ व्यक्ति गारंटी ले सकता है. आई गारंटी यू, इफ यू गो विद मी विद ऑल योर प्रिपरेशंस, बहुत थोड़े समय में मैं आपको ग्रुप डिस्कशन करना सिखा देता हूँ, जिसमें आप लोग अपने तमाम पॉइंट विद कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ सामने रखते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ. अगर मैं ट्रेनिंग ले लें तो सभी इसको कर सकते हैं. तो मैंने मिथ नंबर 2 को भी बस्ट कर दिया, इट
is totally wrong notion of the people. Now I come to third point. क्या कहता है? You have to speak flawless English. जी हाँ, काफी students के मन में ये भय बैठा रहता है, बल्कि ये भय कुछ सच्चा भी है. कुछ पुराने candidates कहते हैं कि मैं पिछली बार जिस center पे गया था अपना group discussion करने के लिए, Airforce में मुझे वहाँ पे officer ने बहुत ज़्यादा डांट फटकार के भगा दिया कि तुमने English को बहुत गलत बोला है. ठीक है, तो वो लोग अपना experience सुनाते हैं, लेकिन ये सब center की सच्चाई नहीं है. कई जगह ऐसे भी होता है कि बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे होते हैं, वो भी आगे निकल जाते हैं. मैं ब्रोकन इंग्लिश का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात का भी सपोर्टर नहीं हूं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश मैन की तरह बोलनी पड़ेगी. यू हैव टू स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट और यू हैव टू स्पीक इन ब्रिटिश एक्सेंट. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. आपको सिंपली बोलना है. ठीक है, तो वो क्या है? सम ओकेजनल एरर्स आर परमिटेड. हमारी कई बार जुबान फिसल जाती है, ऐसा नहीं कि वो हिंदी में नहीं होता. तो कोई बात बोलते बोलते हम लोग अटक जाएं, दूसरा वर्ड ले आए वहां पे, हम उसको घुमा फिरा दें, वी कैन गो द अदर वे राउंड. तो ये परमिटेड है. ठीक है, तो आपकी ओकेजनल एरर्स आर परमिटेड. हम जानबूझ के एरर नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक आधी एरर होती है, सो दैट इज नॉट ए बिग डील. हम उसको ब्लंडर नहीं मानेंगे, वो राह का रोड़ा बिल्कुल नहीं है. तो आप इसमें फ्री ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हो जाइए. यू हैव टू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश, कि बिना गलती के अंग्रेजी बोलना है. हमें गलतियों पर ध्यान ही नहीं देना, तो गलती अपने आप नहीं होंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने तीसरे मिथ को भी बस्ट कर दिया यहां पे. ये भी केवल भय है और भय से दूर चले जाइए. नाउ आई कम टू द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट. क्या कहता है? इंडियन इंग्लिश इज मिथ नंबर फोर्थ. इंडियन इंग्लिश इज मोर देन एनफ. यहां पे हमने लिया ये मिथ है, और यहां पे लिया इट रिक्वायर्स वर्ल्ड क्लास इंग्लिश. ये उल्टा हो गया डियर स्टूडेंट्स. मिथ क्या है? ये वर्ल्ड क्लास इंग्लिश की रिक्वायरमेंट करता है, और सच्चाई क्या है? इंडियन इंग्लिश इज मोर देन एनफ. देखिए, हम हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला कंट्री है, लेकिन रीजनल इफेक्ट तो होते हैं. हम लोग हरियाणा में हैं तो हरियाणी टच रहेगा थोड़ा मोटा. साउथ के लोग बोलते तो साफ दिखाई देता है कि इंग्लिश साउथ इंडियन है ये. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबका थोड़ा थोड़ा एक्सेंट डिफर करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी इंग्लिश का उच्चारण सही होना चाहिए. हाँ, उच्चारण का मतलब है हम वर्ड को सही प्रोनाउंस करें, लेकिन वो प्रोनाउंस बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंग्लिश की तरह हो बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि आज के दिन इंग्लिश जो है, इंडियन इंग्लिश बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है. हमारे कॉल सेंटर्स में लोग बोलने वाले हैं, बहुत जल्दी वो वर्ल्ड क्लास से पहुँच जाते हैं. तो आपका सिंपल बोलना है, यहाँ पर आप लोगों को कोई बहुत बड़ी ड्यूटीज नहीं दी जा रही. यू आर नॉट गोइंग फॉर ऑफिसर जॉब्स, यू आर गोइंग फॉर एयरमैन. ठीक है, तो आपका सिंपल इंडियन इंग्लिश में बोलना काफ़ी है. तो मैंने मिथ नंबर फोर्थ को भी बस्ट किया बेटा यहाँ पे. क्या? कि इट रिक्वायर्स वर्ल्ड क्लास इंग्लिश. जी नहीं, इंडियन इंग्लिश इज एनफ. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई कि जीडी में किस तरीके से हमें बिना डर के उतरना है. अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जीडी की तैयारी कैसे करनी है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ जीडी एंड हाउ टू डू जीडी, ताकि आप लोग बड़ी जल्दी अपने जीडी में जाएं और कॉन्फिडेंटली अपना जीडी करके थम्स अप करके बाहर आए बेटा. टिल नाउ, अब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू फॉर गिविंग योर नाइस टाइम. सी यू अगेन विद एनी अदर वीडियो. बाय, सी यू.